हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये देखिए, आज हम सीखेंगे ये बहुत ही सुंदर सा नीटिंग पैटर्न। इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, लेडीज़ कार्डिगन में, लेडीज़ जैकेट में, लेडीज़ श्रग में, बच्चों के स्वेटर में, बच्चों की फ्रॉक में, शॉल में, स्टॉल में डाल सकते हैं। देखिए, फ्रंट साइड से ये इस तरह से दिखता है और बैक साइड से ये इस तरह से दिखता है। इस डिज़ाइन को आप एज ए बॉर्डर भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको जो स्टिचेस चाहिए होंगे वो 12 के मल्टीपल से होंगे, प्लस 3 फंदे एक्स्ट्रा रखने होंगे, एक फंदा साइड में डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए और 2 फंदे स्टिच के होंगे। और ये जो डिज़ाइन है ये टोटल 8 रो का डिज़ाइन है। तो चलिए फ्रेंड, बनाते हैं। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने 27 फंदे लिए हैं, 24 फंदे 12 के मल्टीपल से लिए हैं, प्लस 3 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं, एक फंदा साइड में डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए और 2 फंदे स्टिच के होंगे। और नीचे से मैंने एक रो इसकी बेस देने के लिए निकाल ली है उल्टे उल्टे फंदों के साथ। तो चलिए देखते हैं, ये इसकी फर्स्ट रो है और राइट साइड है। ये देखिए, स्टिच ऐसे ही उतारेंगे, धागा आगे करेंगे, यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, 4 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4, धागा पीछे करेंगे, 5 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5, धागा आगे करेंगे, 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3। स्टार्टिंग का ऐसे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने 4 फंदे उल्टे बनाए, 5 फंदे सीधे और 3 फंदे उल्टे। ये हमारा 12 फंदों का पैटर्न है। काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर से 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। ये देखिए, टोटल यहाँ पर हमारे पास सेंटर में 7 फंदे उल्टे रहेंगे। फिर 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, धागा आगे, लास्ट में 4 फंदे उल्टे, 2 3 4, ऐसे सीधा बना लेंगे। फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। सेकंड रो है रॉन्ग साइड। इस सारी रो को उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट करेंगे। हर बार हम इसकी रॉन्ग साइड उल्टे उल्टे फंदों के साथ ही बनाएंगे। थर्ड रो राइट साइड। अब देखिए, स्टिच ऐसे ही उतारेंगे, धागा आगे करेंगे, यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, अब 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे उल्टा बुनते हुए, फिर 2 फंदे उल्टे। ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक फंदा डिक्रीज होगा, टोटल 3 फंदे यहाँ पर उल्टे आएंगे। अब सेंटर में हमारे पास 5 फंदे सीधे हैं, 2 फंदे सीधे बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, जाई डालेंगे, एक फंदा सीधा बना लेंगे। फिर से धागा आगे करेंगे, जाई डालेंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे, धागा आगे, फिर 2 फंदे उल्टे। अब देखिए, यहाँ पर हमने 2 फंदों का एक फंदा बनाया था, अब सेंटर में जितने भी फंदे आएंगे 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, हर बार उल्टा बुनते हुए। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। इसमें हमने 2 फंदों का एक फंदा बनाया, 2 फंदे उल्टे बनाए, 2 फंदे सीधे, जाई डाली, एक फंदा सीधा, जाई डाली, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे और 3 फंदों का एक फंदा बनाया। फिर से 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे,
दो फंदे सीधे चाई डालेंगे, एक फंदा सीधा चाई डालेंगे, दो फंदे सीधे धागा आगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे लास्ट में और दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, एस्टिच सीधा बना लेंगे। ये देखिए थर्ड रो कंप्लीट हो गई है। इसके हम साइड में हर बार दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे और सेंटर में जितने भी फंदे आएंगे वहाँ पर हमारा तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे। फिफ्थ रो राइट साइड एस्टिच ऐसे ही उतारेंगे, धागा आगे करेंगे, रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। फिर से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, उल्टा बुनते हुए एक फंदा उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे। देखिए यहाँ पर फिर से हमारे पास एक फंदा डिक्रीज हो गया, दो फंदे सीधे बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, जाई डालेंगे। अब सेंटर के तीन फंदे हैं, सीधे बना लेंगे, वन टू थ्री, जाई डालेंगे, दो फंदे सीधे बनाएंगे, धागा आगे करेंगे। सेंटर में हमारे पास फाइव फंदे उल्टे हैं, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे उल्टा बनते हुए। यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। इसमें हमने दो फंदों का एक फंदा बनाया, एक फंदा उल्टा, दो फंदे सीधे चाई डाली, तीन फंदे सीधे चाई डाली, दो फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, तीन फंदों का एक फंदा बनाया। फिर से एक फंदा उल्टा, दो फंदे सीधे चाई डालेंगे, सेंटर के तीन फंदे सीधे, वन टू थ्री, चाई डालेंगे, दो फंदे सीधे, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, एस्टिच सीधा बना लेंगे। रो सेवन राइट साइड एस्टिच ऐसे ही उतार लेंगे, धागा आगे करेंगे, रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। अब दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे उल्टा बुनते हुए, धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे, धागा आगे, चाई डालेंगे, सेंटर के फाइव फंदे सीधे बना लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, चाई डालेंगे, दो फंदे सीधे बना लेंगे, धागा आगे करेंगे। अब तीन फंदे उल्टे हैं, तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे उल्टा बुनते हुए। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने दो फंदों का एक फंदा बनाया, दो फंदे सीधे चाई डाली, फाइव फंदे सीधे चाई डाली, दो फंदे सीधे और तीन फंदों का एक फंदा बनाया। फिर से दो फंदे सीधे चाई डालेंगे, फाइव फंदे सीधे, वन टू थ्री फोर फाइव, चाई डालेंगे, दो फंदे सीधे, धागा आगे, लास्ट में दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, एस्टिच सीधा बना लेंगे। ये देखिए रो एट कंप्लीट हो गई है और हमारा पैटर्न भी कंप्लीट हो गया है। फिर से हम इसे फर्स्ट रो से स्टार्ट करेंगे। एक बार देख लीजिए कैसे करेंगे। एस्टिच ऐसे ही उतार लेंगे, धागा आगे करेंगे, रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। फोर फंदे उल्टे, वन टू थ्री फोर, धागा पीछे, फाइव फंदे सीधे, वन टू थ्री फोर फाइव, धागा आगे, तीन फंदे उल्टे, वन टू थ्री। यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। फिर से रिपीट करेंगे। फोर फंदे उल्टे, वन टू थ्री फोर, फाइव फंदे सीधे, वन टू थ्री फोर फाइव, लास्ट में फोर फंदे उल्टे, टू थ्री फोर, एस्टिच सीधा बना लेंगे। ये देखिए फिर से हमारा पैटर्न फर्स्ट रो से स्टार्ट हो गया है। ऐसे ही बार बार हम इसकी वन टू एट रो रिपीट करते जाएंगे और ये पैटर्न बनकर इस तरह से दिखने लगेगा। ये देखिए, ये देखिए फैन, इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। लेडीज़ कार्डिगन में, लेडीज़ जैकेट में, लेडीज़ श्रग में, बच्चों के स्वेटर में, शॉल में, स्टॉल में डाल सकते हैं। ये बनकर बहुत ही सुंदर लगता है फ्रेंड। तो फ्रेंड आप भी इसे बनाइए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो
तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉच माई वीडियो।